हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप अगर आपके विंटर प्लांट्स के जो सीजनल प्लांट्स विंटर के उन्हें अगर आप तैयार करना चाहते हो तो आप तैयार कर सकते हो। अभी आप उसे तैयार कर सकते हो। ये मेरे पास कुछ मेरे विंटर सीजनल के प्लांट्स हैं जो पुराने हो चुके हैं। इनकी मैं कटिंग से मैंने इनके कुछ तैयार कर चुका हूँ और कुछ कटिंग से तैयार करने वाला हूँ। तो वो सोचा आप सभी के साथ इस वीडियो में उस बारे में आपको जानकारी दूँ और आपके साथ ये जानकारी शेयर करूँ। तो अगर दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हो, मेरा जीने का प्लांट है दोस्तों। ये ऑरेंज कलर में है दोस्तों और ये देख सकते हैं, ये येलो कलर में है। तो ज़्यादा बारिश के कारण देख सकते हैं, कंटिन्यू हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं है लेकिन छोटी सी लेकिन कंटिन्यू बारिश है। तो उस वजह से आप देख पा रहे हैं फूल भी सूखने लगे और प्लांट्स की कुछ हालत भी वैसे ठीक नहीं है। तो इसे इसका ही कटिंग से मैंने ये तैयार किया था दोस्तों। देख पा रहे हो, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। ये 15 दिनों पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और 15 दिनों में इसके फ्लावर भी स्टार्ट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं कलियाँ भी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। ये छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं, ये कलियाँ है इसकी। तो इस प्रकार आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हो। आप वैसे तो उसके जो बीज होते हैं वो भी डाल के तैयार कर सकते हो, लेकिन क्या होता है बारिश के दिनों में आने का जो चांसेस रहता है वो कम रहता है बीज का। तो कटिंग से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप कटिंग ही ज़्यादा प्रीफर करिए दोस्तों। कटिंग से आपको देख सकते हैं, मैंने अभी 15 दिन पहले इसका कटिंग लगाया था और मुझे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार आप इसकी कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये दोस्तों देख सकते हैं मेरा देंतस का, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी और इसकी कटिंग भी मुझे अच्छा रिजल्ट दे रही है। देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा देंतस का, इसकी कटिंग से ही लगाया था। और ये जो मिक्सर देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें मैंने मिट्टी है, सैंड है और वर्मी कंपोस्ट है, उसका मिक्सर है। तो उसमें मैंने जस्ट ऐसे ही लगाया था और ये आ गया दोस्तों। कटिंग इसकी अच्छे से मुझे लगा नहीं था लेकिन आ चुकी है। तो इस प्रकार आप भी अच्छे से लगा सकते हो। अभी और इसमें और मैं कटिंग लगाने वाला हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, ये कलौंचका है मेरा, इसका भी कटिंग से आप इसे फिर से लगा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी इसे लगाने वाला हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, आपको क्या करना है, जब भी आप कटिंग लगाए दोस्तों, तो अगर आपके पास एलोवेरा हो तो एलोवेरा को कट कर लेना है और उसका जो जूस होता है, जो जेल होता है दोस्तों, उसमें आपको जो भी आप जिसकी भी कटिंग लगा रहे हैं उसे डीप करना है अच्छे से। अच्छे से डीप करने के बाद आपको उसे कुछ इस प्रकार लगाना है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने और एक कटिंग ली है अच्छे से, उसे एलोवेरा के जूस में हम डिप करने वाले हैं, जो जेल होता है एलोवेरा का उसमें अच्छे से कुछ इस प्रकार से अच्छे से डिप करना है दोस्तों। जो जेल है वो हमारे जो कटिंग है उसको अच्छे से लग जाए और इस प्रकार हमें उसे हल्के हाथों से मिट्टी में लगाना है दोस्तों। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो छोटे छोटे जो प्लांट्स देख पा रहे हो, ये जीनिया के मैंने बीज डाले थे उसमें, तो वो भी उग रहे हैं दोस्तों। वो भी आते हैं, बीज से भी आप ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन बीज का कभी कभी क्या होता है, जो नए प्लांट्स होते हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते, उसका सक्सेस रेट कम रहता है। तो उस वजह से आप कटिंग से प्रीफर भी कर सकते हो। अगर आप चाहे तो आप बीज से भी तैयार कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं जीनिया का मैंने बीज डाले थे और अच्छे से नए प्लांट्स अभी आ रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे है, देख सकते हैं जीनिया। और ये दोस्तों, ये मेरा विंका का प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। मेरे पास पुराना विंका भी था लेकिन मैंने सोचा उसका और एक मैं नया प्लांट तैयार कर लूँ, तो उसकी मैंने कटिंग लगाई थी। और देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ग्लास में लगाया था कुछ इस प्रकार, और देख सकते हैं आप रिज़ल्ट बहुत ही शानदार, अच्छे से ग्रो कर रहा है विंका भी मेरा। तो कटिंग से आप अच्छे से लगा सकते हो, जिस वजह से आपका जो विंटर सीजनल प्लांट है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको विंटर सीजनल के लिए आपका जो गार्डन है वो तैयार रहेगा। तो कुछ इस प्रकार आप भी अपने जो गार्डन है उसमें कटिंग से विंटर प्लांट्स के लिए अभी इसे उसके कटिंग से आप नए नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। आपको फिर से नर्सरी से लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, आप घर पर अपने आप तैयार कर सकते हो दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप जीनिया की कटिंग लगाए तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आप कटिंग ले रहे हो वो सॉफ्ट होनी चाहिए कुछ इस प्रकार। अगर आपकी अगर सॉफ्ट कटिंग है तो आसानी से लग जाएगी, जो सक्सेस रेट है उसका बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप हार्ड कटिंग ले गए जीनिया की तो वो लगने के चांस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कटिंग, आपको देखना है अच्छे से जो आपको लगे सॉफ्ट है जो पार्ट उसका कटिंग का, तो उसे आपको कट कर लेना है और उसे लगा लेना है। सॉफ्ट जो पार्ट होता है जीनिया का वो बहुत ही अच्छे से आपको रिजल्ट देता है।
और सक्सेस रेट भी बहुत ही शानदार होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ ये जीने के लिए है। तो आपको जीने की जब भी कटिंग लगाए तो सॉफ्ट कटिंग ही आपको लगाना है, हार्ड कटिंग ना लगाए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करते रहेगा, और इसी तरह अपना प्यार और श्रद्धा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। तब तक के दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में।